अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चैनल कुक विद फेम। आज मैं आपके लिए सालारजंग म्यूज़ियम पार्ट टू लेके आई हूँ। पार्ट वन भी ज़रूर देखिए। उस वीडियो में मैंने कुछ अच्छी दिल को छू लेने वाली बातें शेयर की हैं और इस वीडियो के ज़रिए से भी थोड़ी अच्छी बातें समझाने वाली हूँ। हमारे सोसाइटी का एक भयानक सच, एक लानत जो कि हर जगह फॉलो किया जा रहा है, उस पर रोशनी डालने वाली हूँ और वो है दहेज की लानत। देखने और सुनने में तो आपको ये छोटी बात लग रही होगी क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लेकिन क्या आपने इसके पीछे का दर्द और तकलीफ़ देखी है, कभी महसूस की है? कभी जिससे एक लड़की के माँ और बाप झेलते हैं यानी फेस करते हैं। हाँ, आप तो इस स्टेज से गुजरे होंगे जब आपकी शादी हुई थी और आपने अपने पेरेंट्स की तकलीफ भी देखी होगी कि किस तरह उन्होंने आपके लिए दहेज, जिसे हम जहेज बोलते हैं, वो जोड़ा होगा। शादी के खर्च के लिए यानि फंक्शन हॉल, खाने का इंतज़ाम, इन सब के लिए पैसा जोड़ना होगा, सब मालूम है आपको। आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन मेरा एक सवाल है मेरी माँ और बहनों से। उस वक्त तो आप इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे यानि डौरी दहेज के, जब आपकी शादी थी, आप बेटी थे किसी लाचार माँ और बाप के, मगर यही दर्द, यही फीलिंग्स कहाँ चली जाती हैं जब आप एक बेटे की माँ बन जाते हैं और जब आपके बेटे की शादी होती है। ये डबल स्टैंडर्ड्स आखिर क्यों? एक बात बोलूँ, ये जो डाउरी सिस्टम यानि दहेज प्रथा की जिम्मेदार भी औरत ही होती है। मैक्सिमम घरों में दूल्हे से ज़्यादा उसकी माँ के डिमांड्स होते हैं। ये क्यों मेरी माँ और बहनों, अपना दर्द, अपने माँ बाप का दर्द इतनी जल्दी भूल गए आप? इतनी लालच क्यों आपको? लड़की के रूप में एक फ्री काम वाली चाहिए, एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन चाहिए और साथ में आपका घर भरने के लिए आपको सामान चाहिए जो उसके माँ और बाप अपना खून और पसीना एक करके कमाते हैं। इंसानियत कहाँ मर गई है हमारी? सोच कब बदलेगी हमारी? सोच ऐसी है आजकल, मेरे माँ और बाप ने दिया तो अब आने वाली को भी लाना पड़ेगा। कुछ तो शर्म करो, मेरे माँ और बाप ने बहुत मुश्किल से दिया था, अब मैं किसी और के माँ और बाप को तकलीफ में नहीं डालूंगी। अगर आपकी सोच ऐसी हो गई तो सोचिए कितनों की मुश्किल हल हो जाएगी, कितने बेबस लोगों की दुआ आपको मिलेगी और अल्लाह के नज़दीक सोचिए आपके दर्जात कितने बुलंद हो जाएंगे। नहीं, आपको ऐसी नेकी नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो जेवर, कपड़ा, फर्नीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बयान में कहा गया था कि साथ में कफन का कपड़ा भी मांग लो, ज़रूरत पड़ेगी, इसे क्यों छोड़ रहे हो? वैसे भी एक दिन तो तुम्हें मरना ही है, उसे खरीदने के पैसे बच जाएंगे। सही बात है, दे दो ये भी। आजकल दहेज मांगने के चोर दरवाजे भी बहुत खुल गए हैं, डायरेक्ट नहीं मांगते लोग, पहले तो देखते हैं कि मालदार पार्टी है या नहीं। मालदार पार्टी रही तो बेटे की शादी फिक्स करते हैं उस घर में। देन और एक स्टाइल हो गया है, लोग पूछते हैं, ओ आप दहेज मांग रहे हैं, तो खुद को बहुत अच्छा प्रूव करने के लिए कहते हैं, अरे हम कहाँ मांग रहे हैं, बस हमने कह दिया, आप जो चाहें अपनी बेटी के लिए अपने खुशी से दे दीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह, ये दहेज के चोर दरवाजे हैं, ये भी हराम है, याद रखिए। पहले तो एंट्री मारते हैं बड़ी रिच पार्टी में, फिर ये नाटक अलग से। लानत है ऐसी सोच, ऐसी रस्म और रिवाज पे। याद रखिए, अल्लाह सब देख रहा है, डरिए उस दिन से जब आपका हिसाब किताब होगा। खबर के हिसाब से डरिए, सिर्फ कुरान को पढ़ने से कुछ नहीं होता और उसको मीनिंग से पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये किताब उतारी गई है इसे पढ़ के अमल करने के लिए। अगर आपकी वजह से किसी को भी थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंची तो उसकी पूछ ज़रूर होगी। ये दहेज तो इतना बड़ा पहाड़ है जिसके वजह से कई बुराइयां पैदा हो रही हैं। और एक बात बता दूं, यहाँ पर एक डिवीज़न है, एक तो अमीर पार्टी में एंट्री मारते हैं कुछ लोग, बाकी थोड़े लोग जो खुद अमीर रहते हैं उनमें से कुछ लोग गरीब घर की लड़की ढूंढते हैं। खुश मत हो जाइए, ये कोई नेकी की उम्मीद से नहीं करते, बस इसलिए करते हैं ताकि उसे घर की परमानेंट कामवाली बना के रख लें। आजकल कामवाली की भी जबान चलती है, लेकिन ये लड़की उफ तक नहीं कर सकती क्योंकि वो गरीब घर की होती है। और ये रूल बनाया है ना हमारे सोसाइटी के ठेकेदारों ने कि गरीब को मुंह खोलने का परमिशन नहीं, और अगर वो मुंह खोले भी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अल्लाह अकबर,
याद रखिए, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब थे और गरीबी की हालत में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। एक बात कहना चाहूँगी, जो भी मेरी ये बातें सुन रहे हैं, प्लीज़ सोच बदलिए। जो आपके साथ जुल्म हुआ उसे कभी भूलिए मत और इसका बदला ना लें। उस दर्द, उस नाइंसाफी के बदले को ऐसे लें कि उसका सही इस्तेमाल करें, इस लानत को नहीं कह दें। जब आपके बेटों की या भाई की शादी का वक्त आता है तब कहिए, हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। याद रखिए, ये बहुत बड़ी नेकी है। क्या मालूम अल्लाह को आपकी अदा पसंद आ जाए और आपको जन्नत नसीब हो जाए, सुभान अल्लाह। क्योंकि जब अल्लाह के फराइज में कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो अल्लाह माफ़ कर देता है, क्योंकि वो रहम व करीम है, रहम करने वाला बादशाह है। लेकिन जब उसके बंदे पर कोई जुल्म करता है तो वो कभी माफ़ नहीं करता, जब तक कि वो इंसान जिस पे आपने जुल्म किया ना माफ़ कर दे आपको। दहेज मांगना भी एक बहुत बड़ा जुल्म है लड़की के माँ और बाप पे। अमीर माँ बाप रहे तो शान से दे देंगे दहेज, लेकिन गरीब माँ बाप कहाँ जाएंगे, भीख मांगेंगे क्या? हाँ, यही हो रहा है। इस गंदी रस्म के वजह से हमें, यानी हम बेटियों को, बोझ समझा जाता है। शायद सिर्फ 5% लोग बचे होंगे या और उससे कम जो इसके खिलाफ हैं, जो बोलते हैं और अमल में भी लाते हैं उसी को। जो बहू को अपनी बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उन्हें किसी की अनमोल अमानत समझ के लाते हैं और उनको घर में बराबर का हक देते हैं। सलाम है मेरा उन लोगों को और अल्लाह से दुआ है उनको आला से आला जन्नत में मुकाम अता करे, आमीन। आपका एक अच्छा कदम जन्नत और एक बुरा कदम जहन्नुम की ओर ले जा सकता है, संभल जाओ अभी। इस लानत यानी डाउरी सिस्टम की वजह से जो सबसे बड़ी बुराई फैल रही है वो है जिना। क्योंकि शादी महंगी हो रही है इसलिए जिना सस्ता हो रहा है। नौजवान लड़के और लड़कियों का निकाह इन बेकार की खर्चों की वजह से लेट हो रहा है, तो वो लोग जिना का शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। आपको तो मालूम है जिना कितना बड़ा गुनाह है और उसकी सज़ा क्या है। शादी के लिए लाखों जमाना होता है इसलिए शादी लेट हो रही है। बुरा माहौल, इस्लामी तरबियत से दूर, टीवी, इंटरनेट की बुराई, ये सब जिम्मेदार हैं इस लानती जिना के और हमारे बेपर्दा माहौल के भी। शादी अब एक सुन्नती अमल नहीं, बस एक दिखावे का कंपटीशन हो गया है, जिसमें लोग अपने स्टैंडर्ड की नुमाइश करते हैं कि वो कितने अमीर हैं। रिश्तेदार एक दूसरे के मदद के लिए होते हैं, मगर यहाँ तो हिस्सा ही उल्टा हो गया है। यहाँ दूसरों को जलाने में, नीचे गिराने में लगे हैं लोग। किसी रिश्तेदार को शादी में 25 लाख खर्च हुआ तो हम 50 लाख की शादी करेंगे, ये है हमारी सोच। आखिर कहाँ जा रहे हैं हम, इस्लाम से कितने दूर। और इन शादियों में कोई पर्दा नहीं, लड़कियाँ फुल मेकअप में और लड़के और लड़कियाँ एक ही जगह बैठ के हंसी मजाक चल रहा होता है। देखिए बुराई की जड़ कहाँ से कहाँ जा रही है। रिश्वत, धोखा, लोन, इंटरेस्ट बेस्ड, जो कि हराम है इस्लाम में, ये सब बढ़ रहे हैं इसी की वजह से। माँ और बाप सोचते हैं अभी से बेटी की शादी के पैसे जमाना है, इसलिए गलत रास्ते भी अपना लेते हैं कभी। इन सब गुनाहों के जिम्मेदार वो हैं जो दहेज की मांग करते हैं, इसीलिए मैंने कहा ये छोटा गुनाह नहीं, ये एक गुनाहों की चेन है, कई गुनाहों को मिक्स करके ये गुनाह बनता है। दहेज के साथ साथ दूसरे चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा खाना खिलाना दूल्हे वालों को, जिसके लिए लाखों खर्च हो जाते हैं, फंक्शन हॉल में ही शादी करना, ये भी डिमांड होता है, वो भी लाखों का रहता है। स्टेटस का सवाल जो होता है, अमीर लोग, आपके पास पैसा है आप तो ये सब कर लेंगे, और आपका ये दिखावा शो ऑफ मिडिल क्लास वालों के लिए और गरीबों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस शो ऑफ को देख के गरीब लोगों में दूल्हे वालों को भी जोश चढ़ रहा है शादी में शो ऑफ का, और गरीब लड़की वालों पे प्रेशर डाल रहे हैं। अल्लाह अकबर, दीन भूल गए, दुनिया की रंगीनियों में डूब गए हम। कितना अच्छा होता शादी को सादी कर दें। क्यों हजारों लोगों की पार्टी करना है, इतने लोगों को बुलाने की जरूरत ही क्या है। बस थोड़े 15 से 20 इंपॉर्टेंट लोगों को बुलाइए, खजूर पे निकाह पढ़ाइए, कितना अच्छा होगा। अपनी बहू को एक जोड़े में रुखसत करके ले जाइए और इज्जत से रखिए।
इस बारे में यही बातें शेयर करनी थी मुझे। अल्लाह मुझे बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। मेरा चैनल कुक विद फिल्म ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर कम्युनिटी लिखा होगा उस पर क्लिक कर दें, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे, जैसे कि पर्दे के बारे में, लड़कियों का ससुराल में जो टॉर्चर होता है उसके बारे में, और भी बहुत से पोस्ट आपको मिल जाएंगे। बहुत सी लेडीज़ ने कमेंट्स भी किया था, अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर किए थे, बट कुछ मर्द हजरात ने लिखा, कुकिंग छोड़ के सोशल इश्यूज़ पे फोकस क्यों कर रहे हैं आप। किसी ने कहा फोकस ऑन कुकिंग, इश्यूज़ तो सभी घर में होते हैं। मेरे भाइयों, अगर हम आज़ादी के लिए नहीं लड़ते तो क्या आज हमारा देश आज़ाद होता? सभी मुंह बंद रखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? आवाज़ तो किसी ना किसी को उठानी ही है ना। मैं जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे रगों में एक फ्रीडम फाइटर का, एक सच्चे पॉलिटिशियन अब्दुल हमीद खान का खून है, जो कि मेरे नाना थे माशाल्लाह। वो एक बहुत ही नेक इंसान थे। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, वो अक्सर रेडियो में मोटिवेशनल स्पीचेस देते थे, जिससे लोगों में बहुत ज़्यादा जोश आ जाता था आज़ादी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। वो चेन्नई के फर्स्ट मुस्लिम मेयर बने थे और डेक्कन टाइम्स के चीफ एडिटर थे। इसी तरह मेरा भी एक छोटा सा कदम है इन सोसाइटी के बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए। मेरे हज़ारों व्यूवर्स में से किसी एक को थोड़ा सा भी असर होने के चांसेस है ना, अगर अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हो गया सो हो गया। अब आपके भी घर में बेटे होंगे, भाई होंगे, आप भी ये अहद कर लें कि आप इस लानत को भगा देंगे आपके घर से बाहर, दहेज के खिलाफ हो जाएंगे जब टाइम आएगा। जब माँ समझाएगी बचपन से तो बेटा ज़रूर सुनेगा, उम्मीद है मुझे। अभी से समझाना शुरू कर दें। आप लोग भी कमेंट में अपने व्यूज ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, और हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दें, क्या मालूम ये छोटी सी हमारी कोशिश किसी का दिल बदल दे। उम्मीद है मेरी बातों का आपके दिलों पर कुछ तो असर दिखाया होगा। अगर आपके अंदर दिल है तो किसी ना किसी बात पर ज़रूर धड़का होगा। अस्सलामु अलैकुम। और भी थोड़ा 3 मिनट का वीडियो है, ज़रूर देखते जाइए। सालारजंग म्यूजियम पार्ट 3 भी जल्दी आने वाला है, उसमें भी ऐसे ही कुछ अच्छी बातें शेयर कर दूंगी किसी और टॉपिक के बारे में इंशाल्लाह। सालारजंग म्यूजियम पार्ट 1 भी है, वहाँ पर भी बहुत सी अच्छी बातें मैंने शेयर की है, वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी या इस वीडियो के लास्ट में। चैनल में कम्युनिटी टैब भी ज़रूर विजिट करें, और वहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे पोस्ट हैं, वो भी पढ़िए, कमेंट भी करिए। कमेंट में ज़रूर बताएं, ऐसे ही मैं वीडियो शेयर करती रहूँगी। आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दें, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। ऐसे बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं हमारे सोसाइटी में, हम आंख बंद करके तो नहीं रह सकते ना, ऐसे ही मिल के हमें उसके खिलाफ लड़ना है। मेरी ये छोटी सी कोशिश है, इससे बुराई दूर तो नहीं होगी, बट क्या पता थोड़ा सा तो भी असर हो सकता है ना। ये हमारा फर्ज है कि हम इस बुराई के खिलाफ बोलें और कोशिश करें हम इस बुराई से दूर भी रहें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी वीडियो ज़रूर देखते रहिए और कॉमेंट भी करते रहिए।
सारा जंग म्यूज़ियम पार्ट 3 जल्द ही आने वाला है। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।